केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का बड़ा ऐलान, पूरे देश के लिए कोरोना वैक्सीन फ्री। जो है वो फ्री होगी लोगों के लिए या उन्हें कीमत देनी पड़ेगी? दिल्ली में ज्यादा फ्री है, दिल्ली में नहीं सारे देश में फ्री है। फ्री वैक्सीन वाले बयान पर हर्षवर्धन ने कहा, पहले फेज वन में 1 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों और 2 करोड़ फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं को मिलेगा मुफ्त डोज। आज दिल्ली में 3 जगहों पर वैक्सीन का ड्राई रन, जीटीबी, वेंकटेश्वर अस्पताल और दरियागंज की डिस्पेंसरी में मॉक ड्रिल। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान, राजधानी में सबको मुफ्त वैक्सीन। सत्येंद्र जैन ने कहा, दिल्ली में बनेंगे 1000 कोरोना वैक्सीन सेंटर्स, हर दिन 1 लाख लोगों को वैक्सीन। चंडीगढ़ में भी वैक्सीन का ड्राई रन, मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में तैयारी का किया गया पूरा इंतजाम। यूपी में शाम 4 बजे तक कोरोना वैक्सीन का होगा ड्राई रन, हर दिन 100 लोगों के टीकाकरण के इंतजामों की होगी परख। भोपाल में 3 जगहों पर ड्राई रन, स्वास्थ्य कर्मियों का डमी टीकाकरण। कोलकाता के वैक्सीन सेंटर में ड्राई रन, नेशनल प्रोटोकॉल का किया जा रहा है पालन। महाराष्ट्र के पुणे, नागपुर, नंदुरबार, जालान और में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन, सेंटर्स पर गहमागहमी। बिहार में भी आज कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन, पटना, जमुई, बेतिया, फुलवारी शरीफ में सेंटर्स। केरल की इडुक्की, पलक्कड, वायनाड समेत कई जिलों में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन। कर्नाटक के बेंगलुरु, बेलगावी, कुलबर्गी, मैसूर, शिमोगा समेत कई इलाकों में कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन के सभी इंतजाम पूरे। तमिलनाडु के 4 जिलों में ड्राई रन बनाए गए हैं, 11 सेंटर्स। चेन्नई और नीलगिरी में 3-3 सेंटर्स। नए साल पर देश को मिली कोरोना वैक्सीन, सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड को आपात इस्तेमाल की मंजूरी। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने कोविशील्ड की सिफारिश की, अब डीजीसीआई ने मंजूरी के बाद लग सकेगा वैक्सीन। भारत के पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट बना रहे वैक्सीन कोविशील्ड की 5 करोड़ डोज। दिल्ली में कई घंटे चली सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की बैठक, भारत बायोटेक की वैक्सीन को अभी इजाजत नहीं, और डेटा मांगा। जायडस कैडिला की वैक्सीन पर भी हुई चर्चा, तीसरे चरण के ट्रायल की मांगी गई मंजूरी। प्रधानमंत्री मोदी ने आईएम संबलपुर के सानी कैंपस का शिलान्यास किया, कहा आज के स्टार्टअप्स हैं कल का भविष्य। उत्तम कालखंड आया है, आज के स्टार्टअप ही कल के मल्टीनेशनल्स हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, लोकल को ग्लोबल बनाने के लिए आईएम के छात्रों को नए और इनोवेटिव समाधान खोजने होंगे। अमेरिका की रिसर्च फर्म मॉर्निंग कंसल्टेंट के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय शासनाध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर दी जानकारी। सूत्रों के मुताबिक 9 जनवरी को बंगाल दौरे पर जा सकते हैं जेपी नड्डा, 10 दिसंबर के हमले के बाद पहला दौरा। दिल्ली में धरने पर किसानों ने कड़े किए तेवर, सरकार ने बात नहीं मानी तो आंदोलन और तेज करने की चेतावनी। संयुक्त किसान मोर्चा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कानून वापस नहीं लेने पर जारी रहेगा धरना। बात नहीं बनी तो किसान 6 जनवरी को कुंडली, मानेसर, पलवल हाईवे की ओर करेंगे कूच। 7 से 20 जनवरी तक देश भर में धरना, रैली और प्रेस कॉन्फ्रेंस। 18 जनवरी को महिला किसान दिवस, 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर किसान चेतना दिवस के तौर पर मनाएंगे। नए साल में कड़ाके की ठंड में भी धरने पर डटे हैं किसान, दिल्ली नोएडा के चिल्ला बॉर्डर पर रगनी का आयोजन। किसानों के आंदोलन पर कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का बयान, कहा 4 जनवरी की बातचीत को लेकर आशान्वित, लेकिन ज्योतिषी नहीं कि भविष्य बता सकूं। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान की मौत, ठंड लगने की वजह से बागपत के किसान ने दम तोड़ा। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का साथ देने नए साल की पहली रात सिंघू बॉर्डर पहुंचे झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, कहा कानून में पारदर्शिता नहीं। ट्रैक्टर चलाकर किसानों के बीच टिकरी बॉर्डर पहुंचे दीपेंद्र हुड्डा, आंदोलन में रहने वाले किसानों के परिवार को नौकरी देने की मांग। होशियारपुर में किसानों ने बीजेपी के पूर्व मंत्री के घर फेंका गोबर, अपने खिलाफ बयानों से नाराज थे किसान। तरन तारण में बीजेपी के पूर्व मंत्री अनिल जोशी के खिलाफ नाराजगी, मंत्री के मॉल के बाहर धरना।
मंत्री अनिल जोशी के भाई किसानों के लिए चाय लेकर आए, किसानों का साथ देने का वायदा किया। अमृतसर में बीजेपी नेता तरुण चुग के घर का घेराव, कृषि कानून के खिलाफ विरोध। रोहतक के झाट भवन में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खाप प्रतिनिधियों की बैठक, किसान आंदोलन को तन मन धन से मदद देने का संकल्प। महाराष्ट्र के अकोला में क्षेत्रकारी संगठन का कृषि कानून के खिलाफ विरोध, दाल रोटी के साथ प्रदर्शन। चली गाजीपुर बॉर्डर से दर्दनाक खबर, एक किसान ने की खुदकुशी, शौचालय में मिला शव। वरिष्ठ कांग्रेस नेता बूटा सिंह का निधन, लंबे समय से बीमार चल रहे थे, 8 बार रहे संसद के सदस्य। प्रधानमंत्री मोदी ने बूटा सिंह के निधन पर शोक जताया, कहा अनुभवी प्रशासक और गरीबों का मसीहा। यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर बड़ी खबर, पंचायत चुनाव के बाद इम्तिहान। ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों को पंचायत चुनावों के लिए बनाया गया है मतदान केंद्र, शिक्षकों की लगेगी ड्यूटी। गुजरात में असुद्दीन की पार्टी एआईएमएम लड़ेगी निकाय चुनाव, बीटीपी के साथ मिलाएगी हाथ। एआईएमएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने बताया, हम बंगाल भी जाएंगे और देश के हर कोने में अपना दमखम दिखाएंगे। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में दो गुटों के बीच झड़प, कार पार्किंग को लेकर भिड़ंत। दक्षिण 24 परगना में सॉस फैक्ट्री में छापा, नकली सॉस बरामद। झारखंड के खूंटी में पुलिस के साथ नक्सलियों की मुठभेड़, एक नक्सली गिरफ्तार। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।